हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नियोनेटल रिफ्लेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। आपने पीछे की एग्जाम देखी होगी, दिल्ली एम्स का पेपर है और एम्स भुवनेश्वर है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नियोनेटल रिफ्लेक्स के बारे में। तो उनमें से जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो मोटर रिफ्लेक्स है, बेबिंस्की है, प्लांटर है और पैराशूट रिफ्लेक्स से क्वेश्चन आया था एम्स भुवनेश्वर में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल पे अभी 95,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, हम 1,00,000 से कुछ ही दूर हैं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जितने भी जो नर्सिंग के स्टूडेंट है, नर्सिंग के बैचमेट है और जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे हम अपना जो टारगेट है 1,00,000 का वो जल्दी कवर कर ले, ठीक है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखिए, इट इज़ एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। जो रिफ्लेक्स है वो क्या है, यह कोई भी अपने शरीर को स्टिमुलस मिलती है तो उसके खिलाफ ये क्या है, एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। इनवॉलंटरी मतलब एनर्जिक, ठीक है। तो इसमें इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको रिफ्लेक्स यह किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होने वाली इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अगर अपने शरीर को कोई स्टिमुलस मिलती है तो यह उसके खिलाफ होने वाली वो क्या एक रिस्पॉन्स है, प्रोसेस है, कौन सी है, इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक। इसमें फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में देखिए, इस रिफ्लेक्स में जब भी न्यू बॉर्न के लिप्स को टच करते हैं या उसके माउथ में कुछ भी इंटर करवाने की कोशिश करते हैं तो न्यू बॉर्न क्या करेगा, न्यू बॉर्न उसके रिस्पॉन्स में सक करने लगेगा, यानी सकिंग करने लगेगा। सकिंग मतलब क्या होता है, चूसना। जो चूसने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, सकिंग, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ही उसके लिप्स या उसके माउथ में अपने जो फिंगर है इंसर्ट करवाई तो जो बेबी है वो क्या करने लगेगा, सकिंग। इसे क्या कहते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स। ये कब डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर मतलब यह कब गायब हो जाता है, कब विलुप्त हो जाता है, तो यह लगभग 1 साल की उम्र पर क्या हो जाता है, डिसअपियर। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें इस रिफ्लेक्स को हम कैसे देख सकते हैं बेबी में, जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसके अगर हम चिक्स या लिप्स को टच करते हैं तो न्यूबॉर्न उस साइड में अपने फेस को क्या करेगा, टर्न कर लेगा, ठीक है। मतलब कि एक बेबी है, अगर आप उसको लेफ्ट साइड में उसके चिक या लेफ्ट साइड के जो लिप्स है उसको टच करोगे तो बेबी क्या है, लेफ्ट साइड में ही अपना फेस टर्न करेगा। ये कौन सा रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये डिसअपियर कब हो जाता है, 3 to 4 months, 3 से लेकर 4 माह की एज में ये क्या हो जाता है, डिसअपियर। नेक्स्ट देखिए स्वालोइंग रिफ्लेक्स। स्वालो मतलब निगलना, स्वालो मतलब होता है निगलना, ठीक है। जब कोई लिक्विड बेबी के माउथ में जाता है तो वह इसे क्या करने लगता है, स्वालो करने लगता है, ठीक है। और ये स्वालो रिफ्लेक्स है, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता, ये जो स्वालो रिफ्लेक्स है ये हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग मतलब छींक आना। इसमें कोई भी पर्सन है उसको स्नीज कब आएगी, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल है उसके अपर एयरवे को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो इसके रिस्पांस में क्या बनती है, स्नीजिंग, ठीक है। जो भी अपना अपर एयरवे है अगर उसमें कोई भी इरिटेशन हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको जाके स्टिमुलेट करे तो उसके रिस्पॉन्स में क्या बनेगी, स्नीजिंग। नेक्स्ट है कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स है वो कब देखने को मिलेगा, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई भी लोअर एयरवे में इरिटेशन हो या उसको स्टिमुलेट करे तो उस कंडीशन में क्या क्रिएट होगा, कफ, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, कफिंग रिफ्लेक्स। दोनों में अंतर है, स्नीजिंग में जो अपर एयरवे है उसको स्टिमुलेशन मिलेगी और कफिंग में लोअर एयरवे को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है, जो भी पोस्टीरियर फेरिंजियल पार्ट है उसमें स्टिमुलेशन के कारण जो भी बेबी के स्टोमक कंटेंट है वो क्या होगा, रीगर्जिटेट। ये तो आपने भी देखा होगा, जब भी आप कभी भी मतलब सुबह उठ के गरारे करते हो, अपना माउथ को साफ करने की कोशिश करते हो तो आपका जो पोस्टीरियर फेरिंजियल पार्ट है अगर आप उसको टच, आपकी उंगली है उसको टच करने लग जाए तो आपको क्या होगा, वोमिट जैसा होगा, कि आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, वो क्या है, गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स है, यह कभी भी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट है डॉग्स आई रिफ्लेक्स। डॉग्स आई रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है, जब न्यू बॉर्न का हेड एक साइड से दूसरी साइड से करते हैं,
ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी आंखें हैं वो उसके जो मूवमेंट है फेस का उसके अनुसार क्या नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती या मूव नहीं हो पाती। जैसे कि एक बेबी है वो लेफ्ट साइड में देख रहा है, ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी है वो लेफ्ट साइड में देख रहा है, तो आप उसका जो फेस है वो अगर राइट साइड में टर्न करो तो जो उसकी आंखें हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ ही टिकी रहेंगी, ठीक है, वो धीरे धीरे उसके बाद में एडजस्ट करता है। ये क्या है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स। ये कब डिसअपीयर होता है, 3 to 4 months, 3 से 4 महीने पे ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरो रिफ्लेक्स। यह रिफ्लेक्स देखने के लिए न्यू बॉर्न बेबी को सेमी सिटिंग पोजीशन में 45 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, ठीक है। जो बेबी है उसको ऐसे हाथ में ऐसे रखेंगे सिटिंग पोजीशन में, कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, और उसको अचानक से नीचे की तरफ 30 डिग्री एंगल पे छोड़ते हैं, ठीक है। उसको 30 डिग्री एंगल पे जैसे हम छोड़ेंगे तब जो बेबी है इसके रिस्पॉन्स में क्या शो करेगा, रैपिड एबडक्शन, ठीक है, और एक्सटेंशन। जो हाथ है उसको क्या करेगा, एबडक्ट मतलब बॉडी से दूर लेके जाएगा, और एक्सटेंड करेगा मतलब एक्सटेंशन यानी फैला लेगा, ठीक है, क्या करेगा, रैपिड एबडक्शन और एक्सटेंशन। और जो फिंगर है और थंब है वो आपको कैसे शेप में देखने को मिलेंगे, सी शेप में, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है, एबडक्ट है यानी उसमें क्या देखने को मिल रहा है, एबडक्शन, और एक्सटेंड यानी एक्सटेंशन। और फिंगर और थंब क्या है, सी शेप में। और ये डिसअपीयर कब होता है, ये होता है 3 to 6 months की एज में, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, जब भी हम न्यू बॉर्न के सामने ज़ोरों से कोई शोर करते हैं, यानी अगर कोई न्यू बॉर्न है उसके सामने हम ज़ोरों से शोर करते हैं या कोई भी आवाज़ करते हैं, तो उसके अचानक से तो उसके रिस्पांस में जो न्यू बॉर्न है वो क्या करेगा, आरएम उसको फ्लेक्स करेगा और एडक्ट करेगा, ठीक है। बेबी क्या करेगा, आर्म को फ्लेक्स करेगा और एडक्ट करेगा, इसे क्या कहती हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स। और यह भी 3 से 4 महीने में क्या हो जाता है, डिसअपीयर। नेक्स्ट है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो बेबिंस्की रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे हम बात करेंगे बेबिंस्की रिफ्लेक्स की, बेबिंस्की रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, ये कब देखने को मिलता है। बेबिंस्की साइन, जो बेबीज की रिफ्लेक्स है यह देखने के लिए जो बेबी का सोल है यानी जो पैर का नीचे का सोल है उसमें हम क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं किसी एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे आप डायग्राम को देख सकते हो, हम जो एडी है एडी से लेके टॉय की तरफ क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे उसको जनरल, तो इसके रिस्पॉन्स में बेबी है वो क्या शो करेगा, डोर्सी फ्लेक्स। जो टॉय है इसमें अंगूठा है वो क्या है, डोर्सी फ्लेक्स मतलब ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है। और फिर जो फिंगर है वो क्या हो रही है, हाइपर एक्सटेंस, ठीक है, जो फिंगर है वो क्या हो रही है, हाइपर एक्सटेंशन। ये क्या है, बेबीज की रिफ्लेक्स। इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन, नॉर्मली यह 6 months तक क्या हो जाता है, डिसअपीयर, लेकिन कई बार यह 1 साल तक के बच्चों में भी देखा जाता है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि वो 1 साल तक के बच्चे हैं उनमें इनकम्प्लीट माइलिनाइजेशन ऑफ एक्जोन देखा जाता है, क्योंकि जो एक्जोन है उनका कम्प्लीट माइलिनाइजेशन नहीं हो पाता, इस कारण से 1 साल तक के बच्चों में भी यह देखा जा सकता है। लेकिन इसका नॉर्मली जो डिसअपीयर टाइम है वो 6 months है और कई कई जगह 1 साल भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है, नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी बेबी के सोल को आउटर एस्पेक्ट से स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, अगर आप बेबी के स्टिमुलस जो पैर है उसको आउटर सरफेस से क्या देते हो, स्टिमुलस देते हो, कैसे, एडी से लेके टॉय की तरफ, तो जो बेबी का टॉय और फिंगर है वो क्या होंगे, डाउनवर्ड कर्ल हो जाएंगे यानी नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर बेबी है उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको स्टिमुलस देंगे, तो जो उसका जो टॉय है वो फिंगर है वो नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, कर्ल हो रहे हैं या नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं। ये क्या है, प्लांटर रिफ्लेक्स या नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराशूट रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था एम्स भुवनेश्वर की में। इसमें देखिए, जब भी हम न्यू बॉर्न को ऊपर की तरफ हवा में उछालेंगे तब न्यू बॉर्न इसके रिस्पांस में अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या करेगा, एक्सटेंड, ठीक है। जब भी बेबी है हम ऊपर की तरफ ऐसे उसको उछालेंगे हवा में, तब बेबी है अपने
जो एक्सट्रीमिटीज़ है अपने हैंड है उनको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ये अपीयर कब होता है, ये अपीयर होता है 6 मंथ पे। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यू बॉर्न है उसमें से कौन सा रिफ्लेक्स है वो उसके जन्म के टाइम पे नहीं पाया जाता, तो जो जन्म के वक्त है पैराशूट रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसका अपीयरेंस टाइम कब है, 6 से 7 मंथ। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट टाइम है वो लगभग 6 मंथ माना गया है पैराशूट रिफ्लेक्स के अपीयरेंस का, और ये डिसअपीयर कभी नहीं होता। ठीक है, ये कभी डिसअपीयर नहीं होता। नेक्स्ट है पेरेज रिफ्लेक्स, और जो क्वेश्चन है ये आप इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेज रिफ्लेक्स। पेरेज रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, जब किसी न्यूबॉर्न बेबी को किसी फर्म सरफेस पे क्या प्रोन लेटा देते हैं। ठीक है, फर्म सरफेस है, सिंपल सरफेस है, हार्ड सरफेस है, उस पर हम न्यूबॉर्न बेबी को प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे, मतलब उसको उल्टा लेटा दे देंगे। फिर जो बेबी का स्पाइन है उस पर उसको हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट देंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा से सेक्रल वर्टिब्रा की तरफ, और वापस से सेक्रल वर्टिब्रा से सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरफ। तब इसके रिस्पॉन्स में न्यूबॉर्न क्या करता है, न्यूबॉर्न क्राई करता है, अपने एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्स करता है, और जो भी स्पाइन है उसको लॉर्डोसिस करने की कोशिश करता है, जैसे आप इसके डायग्राम में देख सकते हो पेरेज रिफ्लेक्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके टाइम ऑफ डिसअपीयर, या डिसअपीयर कब होता है, या 4 to 6 मंथ या 4 से 6 महीने पे क्या हो जाता है, डिसअपीयर। ये कौन सा रिफ्लेक्स था, पेरेज रिफ्लेक्स। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है मोरो रिफ्लेक्स पे, बेबिंस्की और प्लांटर रिफ्लेक्स पे, पैराशूट जो पैरा। ये था न्यूनेटल रिफ्लेक्स के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा था जो भी इन्फेंट के जो रिफ्लेक्स है उसके बारे में। नर्सिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तभी आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमारी वेबसाइट से जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।